हर गंगी। तो ये पानी कहाँ से आ रहा है? ये इधर से निकलता है। ये पानी जी ये कुंभ बना हुआ है, देखो दर्शन यहाँ से आता है। कहाँ से? मेरा बताइए, भाई साहब बताएंगे ये कहाँ से पानी आता है। तो ये सल्फर का पानी है। हाँ। तो कुदरती सल्फर का पहाड़ है यहाँ पे, और ये सल्फर का पानी जो है कुदरती उसमें से आता है। ये पहाड़ी जगह पे बना, ये कुदरती पानी निकलता है इसमें से। बहुत गर्म है ये तो। हाँ जी, ये मैन कुंड है, ये नहाने के लिए दो इधर सप्लाई ले रखी है। अच्छा, ये मैन कुंड है। तो ये अंदर ये पानी आ कहाँ से रहा है? ये पानी जमीन से निकल रहा है ना। जमीन से निकल रहा है पानी, ये जो स्थान पर। अगर आप बोर हो गए अपने रूटीन से और आपके पास सिर्फ एक दिन है, जैसे कि सैटरडे हो या संडे हो, और आप जाना चाहते हो कोई बहुत ही नज़दीक प्लेस हो दिल्ली के आसपास, तो आप जा सकते हो सोहना। ये ज़्यादा दूर नहीं है दिल्ली से, मात्र 50 किलोमीटर है, और आप जैसा मेरे पीछे देख सकते हैं, ये सोहना टूरिज्म का एक रिज़ॉर्ट है। बेहतरीन लोकेशन, पूरी हरियाली, और खाने का, ठहरने का, सोने का बेहतरीन इंतज़ाम। तो अगर आप बिल्कुल बोर हो चुके हैं और चाहते हैं सिर्फ एक दिन का रिलैक्स, तो आइए यहाँ पर।
आज हमारे साथ प्रेमदत्त जी हैं, और प्रेमदत्त जी अपना यहाँ प्रेमदत्त जी यहाँ पे अपना हरियाणा टूरिज्म में जॉब करते हैं, और बहुत ही अच्छा रिजॉर्ट है ये। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं सर? यहाँ रूम है, रेस्टोरेंट बार आप बैठे हैं, और लॉन है, रेस्टोरेंट है, बार है, नीचे है ना, नीचे सोना शहर में सल्फर वाटर है। हाँ, सल्फर वाटर है वहाँ पे, जहाँ हम लोग पहले नीचे गए थे, हम लोग मंदिर को नीचे गए थे। और रूम भी चार्जेस क्या है? रूम का चार्जेस सर 2500 है, 2700 2500 2700, क्या फ़र्क है दोनों में? थोड़ा बड़े छोटे का फ़र्क है। अच्छा, बड़े छोटे का फ़र्क है। अच्छा अच्छा, बेसिकली अपना मतलब रूम थोड़ा बड़ा होगा, कोई छोटा होगा तो 2500 2700 रुपये का ये फ़र्क है। उसमें 10-20 रुपये ऊपर नीचे हो सकता है, मुझे कन्फर्म पता नहीं है। हाँ, कोई बात नहीं, लेकिन खाना आपका अच्छा है? नहीं, खाना बहुत बढ़िया है। मैं इससे पहले हरियाणा टूरिज्म के बड़कल भी गया हूँ, दमदमा भी गया हूँ, और आज सोना आया हूँ मैं। और ये तीनों बहुत ही अच्छे रिजॉर्ट हैं, खाने का रेस्टोरेंट बार बहुत बढ़िया है। आप कभी आएँ सोना तो बिल्कुल डेफिनेटली आएँ यहाँ पर, और बहुत ही अच्छी लोकेशन है। आप देख सकते हैं, वैसे मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि बहुत ही अच्छा नज़ारा है पीछे का, और खाना बहुत अच्छा है। थैंक यू जी, थैंक यू साहब, बहुत बढ़िया।